बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अलर्न विद मुदस्सर। और डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म न्यूमेरिकल नंबर 14.2 आज हम सॉल्व करेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन की जानिब जाएंगे। हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.50 एक्सपोनेंशियल -3 टेस्ला सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। कि एक प्रोटॉन है, वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है। हमने ये कैलकुलेट करना है कि किस स्पीड के साथ उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे कि उसके ऊपर जो लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स है वो उसके वेट के इक्वल हो। याद रखिएगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है 90 के एंगल पे, तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगती है। और यहाँ सिचुएशन ये है कि एक प्रोटॉन है, वो मूव कर रहा है, और क्योंकि यहाँ पे वेट का जिक्र है, वेट जो है वो मेंशन किया गया, इट्स मीन जो प्रोटॉन है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड, यानी ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी, वो फोर्स जो है उसके वेट के इक्वल है। ये हमें सिचुएशन दी गई है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम डाटा देखेंगे। डाटा क्या है? स्पीड उसकी कैलकुलेट करनी है, किस स्पीड के साथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो। सेकेंडली, मैग्नेटिक फील्ड जिस फील्ड के अंदर उसने एंटर होना है वो उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 2.50 एक्सपोनेंशियल -3 टेस्ला। चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है ये हम मैथमेटिकल रिलेशन यूज़ करेंगे, वहाँ हम ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो है उसकी वैल्यू हम नोन भी होती है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगा 1.67 × 10⁻²⁷ kg। सिचुएशन क्या है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है FB वो इक्वल है उसके वेट के। अब हम जानते हैं कि जो चार्ज है मूव करता है या एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो होती है qvb sin θ। और सिचुएशन क्या है कि वो वेट की इक्वल है, इट्स मीन mg। अब क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगी, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 जो है वो 1 होता है, तो qvb sin 90° इक्वल्स टू mg। चार्ज जो है उसको हम यहाँ पे ई कर देते हैं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है वी बी, और साइन 90 की वैल्यू जो है तो होती है मैक्सिमम, तो mg। रीज़न क्या है कि साइन 90 जो है वो इक्वल्स टू 1 होता है। अब हमें कैलकुलेट करना है V, तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो V इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय E और B। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻²⁷ मल्टीप्लाई जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, नोन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ई जो है वो चार्ज ऑन प्रोटॉन है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम। मल्टीप्लाई जो बी है वो हमें गिवन है यहाँ पे 2.50 एक्सपोनेंशियल -3। अब नेक्स्ट जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं फॉर द सेक ऑफ टाइम, यानी टाइम को सेव करने के लिए मैं जस्ट आपको यहाँ पे आंसर जो है वो बता रहा हूँ। तो वो हमारे पास वैल्यू जो आएगी इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद वो बनेगी 4.09 × 10⁵। अब क्योंकि ये स्पीड है तो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो ये वो स्पीड है जिस स्पीड के साथ जो है वो प्रोटॉन एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर जो फोर्स होगी वो उसके वेट के इक्वल होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14.2। यकीनन आपको समझ आएगा। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।